हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार ठाकुर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MVP टेक गाइड। आज हम जानेंगे कि ऑटोकैड 2007 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो भी सीरियल की के साथ, प्रोडक्ट की के साथ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि हम कैसे 2007 ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमारा ये फोल्डर रखा हुआ ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2007। तो ये फोल्डर आपके पास भी आपके कंप्यूटर में होगा, या किसी अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, कलीग से ले सकते हैं। और देखिए, इसका अभी सेटअप का ऑप्शन दिखाते हैं, वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए देखिए, अभी खोलने के बाद यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये सेटअप पे आपको क्लिक करना है। देखिए, सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आया है इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट। तो इंस्टॉल हमको करना है, तो इंस्टॉल में स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन को क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आया, इसको भी क्लिक कर देना है। और इसको यहाँ पे ओके कर देना है। और देखिए, अभी यहाँ पे ऑटोडेस्क सेटअप हो रहा है अभी, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जल्दी सेटअप हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अभी वेलकम टू द ऑटोकैड 2007 इंस्टॉलेशन विजार्ड आ गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए, लिखा हुआ है वेलकम टू द ऑटोकैड 2007 इंस्टॉलेशन विजार्ड, तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन है, इसको आई एक्सेप्ट कर देना है। पढ़ना पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सीरियल नंबर आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, हमने डाल दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट के बाद यहाँ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ये डेल है, इसके बाद कुछ भी आप डाल दीजिए। यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल दीजिए। और डीलर फोन में भी आप कुछ भी डाल दीजिए डिजिट, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन दिया है सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप में टिपिकल एंड कस्टम। आप पे टिपिकल कोई रहने दीजिए जैसा इसमें था पहले से, और नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल ऑप्शनल टूल्स, तो ये दोनों टूल्स आपके लिए ज़रूरी होगा, इसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों को आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के लिए, तो सी में ही प्रोग्राम फाइल आता है, सी डिस्क में, तो आप यहाँ भी नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ भी नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ भी दिया हुआ है चूज टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ भी इसको नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी इसको स्टार्ट इंस्टॉलेशन, आर यू रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन, तो ये बोल रहा है कि आप रेडी हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको भी हाँ नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन अभी चालू हो चुका है। तो कुछ देर वेट करना होगा तक, हमारा सॉल्यूशन इन प्रोग्रेस है अभी। देखिए, हमारा इंस्टॉलेशन अभी प्रोग्रेस में ही चल रहा है। तो देखिए, अब अपडेटिंग कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन, ये लास्ट प्रोसेस ही है, अब हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस तरह का ऑप्शन अगर आ भी जाता है तो इसको इग्नोर कर देना है। आगे अगर आप डिमांड करते हैं तो 2010, 12, 14, 15, जो भी आपको चाहिए इंस्टॉलेशन का, आप अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो हम जरूर वो भी कैसे इंस्टॉल किया जाता है बताएंगे आपको।
तो देखिए हमारा ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। ये फिनिश इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोकैड 2007 रेडमी आ गया। इसको आप कट कर दीजिए और यहाँ से इसको भी कट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रहा था यहाँ पे क्रैक पैच का, तो ये क्रैक पैच को आपको ओपन करना है और यहाँ पे जो भी दिख रहा है ये सबको आप कॉपी कर लीजिए। और आपको जहाँ पे सी ड्राइव है जहाँ कि हमारा सारा डाटा इंस्टॉल होता है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स ये देखिए 86 का यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ऑटोकैड 2007 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप डाटा इंस्टॉल करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे ऑटोकैड 2007 के अंदर जाके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, इसको रिप्लेस कर देना है। देखिए फिर ऐसा मांगेगा आपको, तो ये कंटिन्यू कर देना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। और देखिए हमारा ऑटोकैड फुली तरह विद सीरियल की इंस्टॉल हो चुका है। और अभी हम आपको खोल के भी दिखा देते हैं कि कैसे हमारा ऑटोकैड काम कर रहा है। यहाँ पे ऑटोकैड क्लासिक पे क्लिक करके यहाँ पे डोंट शो मी अगेन, अगर आपको बार बार चेंज करना है तो नहीं भी क्लिक कर सकते हैं, वैसे ये कर देने से अच्छा रहेगा, और ओके कर दीजिए। यहाँ पे मे बी या नो पे डाल के इसको ओके कर दे रहे हैं। देखिए अब हमारा ऑटोकैड चालू हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, बस इस वीडियो को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और हम कुछ अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको दे सकें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।